किसान अपनी मांगों को लेकर यूपी गेट पर डटे हुए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि तब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। 26वां दिन किसानों के आंदोलन का आज है। इस वक्त हम यूपी बॉर्डर पर मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे, तस्वीरें यूपी गेट की है, किस तरह से जो किसान एक साथ इकट्ठे होकर यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि तब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सरकार की तरफ से तमाम जो किसान हैं उनसे अपील की जा रही है कि जो ये कानून है ये किसानों के समर्थन में है, किसानों के फेवर में, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सीधे किसान हैं, किसानों से जुड़ेंगे और जानेंगे जो किसान हैं उन्हें आंदोलन करते करते तब तक जो उनका आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। जादौन जी, 26 दिन आपका आंदोलन करते करते हो गए। हाँ भाई, 26 दिन हो गया, आप लोग भी देख रहे, पूरा देश देख रहा है। और हम लोग तो तैयारी 26 जनवरी तक की करके आए हैं। पहला चरण 26 जनवरी तक होगा। अगर सरकार फिर भी बात नहीं मानेगी तो अगला चरण फिर 15 अगस्त पे जाएगा। तो जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी को ही मनाएंगे। हमारा ट्रैक्टर भी नरेंद्र मोदी जी भी कल गुरुद्वारे भी गए थे, उसके बारे में क्या कहें? अच्छी बात है, गुरुद्वारा जाएँ, मंदिर जाएँ, चर्च जाएँ, मस्जिद जाएँ। भाई देखो, हमारे देश के चलाने वाले लोग हैं, अगर भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान के घर में जाएंगे, और वो तो घर ऐसा है कि कोई भी वहाँ जाए, कैसी भी सोच का व्यक्ति जाए, कैसा भी जाए, जब उनके घर के अंदर जाता हो फिर बाहर निकलता है उनका दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेकर के, तो वो पवित्र होकर निकलता है। तो अगर वो गुरुद्वारे गए हैं तो जरूर उनकी सोच बदली होगी, मंदिर भी चले जाएँ, मस्जिद भी चले जाएँ, गिरजाघर भी चले जाएँ। अगर ऐसा करते हैं तो मुझे निश्चित भरोसा है कि भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वे उसी संवेदनशीलता से सोचेंगे जिस संवेदनशीलता से किसान अपने घर से चल के दिल्ली के दरवाजे तक आया है। भाई, कृषि बिल के समर्थन में किसान आए हैं। भाई, किसान तो हमारा भाई है, लेकिन हम उससे पूछना चाहते हैं कि मेरे भाई, ऐसा कौन सा कानून है भाजपा का जो तुमको फ़ायदा देता और हमें नुकसान देता? वो कानून समझाएं, वो फंडा समझाएं। और फिर ये देखना पड़ेगा ना कि जो किसान थे इनकी फरद खतौनी देखना पड़ेगी, कितने बीघे ज़मीन है, कहाँ खेती करते हैं। वो भी तो किसान थे जिन्होंने बिल बनाया, उनको पता ही नहीं खेती कैसे होती है। तो वो जो आए थे, और आए थे तो उनको बैठना चाहिए था। जिस तरह से हम दिल्ली के दरवाजे पे बैठे, आज 26 दिन हो गए, वो कल से शुरू कर देते, जब तक हम बैठे हैं वो भी बैठते। लगातार आपको 26 दिन यहाँ यूपी गेट पर बैठे बैठे हुए, ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन किसान यूपी गेट पर डटा हुआ है, क्या उम्मीद रखता है किसान की, आपकी मांगे मानी जाएंगी? देखो, मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी, अभी 26 दिन हुए, 26 महीने भी हो जाएंगे ना, हम तब भी यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम लगातार यहाँ पर जमे रहेंगे, कभी तो मोदी जी के कान पे जू रहेंगे कि कभी तो हमारी मांगे मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो हम यहीं पर डटे रहेंगे, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़ जाए, लेकिन हम यहीं पर डटे रहेंगे। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हम खाली संशोधन कर सकते हैं लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। हमारा ये कहना है कि हम तीनों कानून वापस दिलाएंगे, वापस लेने होंगे। सरकार का अगर ये कहना है कि हम वापस नहीं लेंगे तो हम कह रहे हैं कि वापस लेने पड़ेंगे। देखो, अब होता क्या है, लेकिन देश किसानों का है, जय जवान जय किसान। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है तब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसान यहां यूपी गेट सर जाने वाले नहीं हैं। सोनू खान, R9 TV, गाजियाबाद।